मोबाइल छीनकर भागने वाले आरोपियों को कुछ ही घंटों में पुलिस ने धर दबोचा। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी 4 मई को शाम करीब 5 बजे के दौरान अभियांत्रिकी छात्रावास से बाईपास मार्ग पैदल ट्यूशन के लिए जा रहा था, तभी दुपहिया पर सवार 3 युवकों ने आकर उसका मोबाइल मांगा। उसने इनकार किया तो एक युवक ने विद्यार्थी के हाथ से मोबाइल छीनकर वे भाग निकले। विद्यार्थी ने शहर पुलिस थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। दौरान मार्ग पर कुछ सीसीटीवी फुटेज जांचे। एक दुपहिया से 3 युवक संदेहास्पद तरीके से घूमते हुए पाए गए। पुलिस ने योजना बनाई और तीनों को हिरासत में लिया। उनकी तलाशी लेने पर चोरी का मोबाइल और दुपहिया ऐसा कुल 76,999 रुपए कीमत का मुद्देमाल जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संतोष सिंह राजपूत, साथ ही सहायक पुलिस निरीक्षक रमीज मुलानी, सहायक पुलिस निरीक्षक मंगेश भोंगाड़े इनके नेतृत्व में गुन्हे शोध पथक के कर्मचारी, सहायक फौजदार शरीफ, पुलिस हवालदार विलास महेंद्र जयंत, नया पुलिस कांस्टेबल सचिन संतोष चेतन, पुलिस कांस्टेबल इमरान इरशाद दिलीप संतोष रूपेश ने की। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार ने दी। शाम की कल 4 तारीख ही कल शाम 5 बजे की घटना है। हर्षवर्धन काड़े नामक एक इंजीनियरिंग का लड़का है, वह वही के हॉस्टल में रहता है और वो ट्यूशन के लिए जब शाम को जा रहा था पैदल रास्ते से, तो 3 लड़के बजाज एवेंजर गाड़ी पे आके हमें कॉल करना है करके उसको मोबाइल मांग रहे थे। वह मोबाइल पे बात करते हुए या मोबाइल देखते हुए जा रहा था, तो इन्होंने उसको कि हमें कॉल करना है, हमें थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो बोले, तो उसने वो नकारा। नकारने के बाद तुरंत उस 3 लड़कों में से एक लड़के ने उसका मोबाइल छीन के तीनों भाग गए। ऐसा 17,000 रुपये का उसका रियलमी मोबाइल लेकर वो भाग गए थे। उसके बाद हमको जैसी सूचना मिली तो हमने फिर फिरियादी को पूछताछ करके ऑफिस रजिस्टर किए और उसके बाद तुरंत तफ्तीश जारी किए। जिस रूट से भागे थे या जिधर से आ सकते थे या जिधर जा सकते थे, दोनों तरफ के हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हमने उनका हुलिया जाना और हुलिया के आधार पे से हमने रात भर सर्चिंग ऑपरेशन करके वो तीनों को ढूंढ निकाला है। और तीनों को ढूंढ निकालने में हमारे सिटी के PI राजपूत साहब, उसी तरह API मुलानी और DB के जो इंचार्ज है भोंगाड़े और उनकी पार्टी, इन्होंने काफ़ी मेहनत लिए और हमने 4 घंटे के अंदर उन तीनों को ढूंढ निकाला और तीनों से वो मोबाइल और उन्होंने जो इस वारदात के लिए जो मोटरसाइकिल का यूज़ किया था एवेंजर गाड़ी, ऐसा 77,000 का मुद्देमाल भी हमने हस्तगत किया है और आगे PCR लेके और उन्होंने घटना की है क्या इस तरह की, ये भी तफ्तीश की जा रही है और तीनों अभी सलाखों के पीछे हैं।